प्रोस्टेट रोगों का अस्थायी समाधान। नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। प्रोस्टेट रोगों का शर्तिया इलाज। अगर आपको पेशाब में तकलीफ है, रुक रुक कर पेशाब आता है, या फिर पेशाब का धार नहीं बनता है, या अनायास पेशाब निकल पड़ता है, या पेशाब में जलन है, दर्द है, किसी भी प्रकार का तकलीफ है, तो आप KUV जो लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी है उसको करवा लें और देख लें कि आपके प्रोस्टेट का साइज क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो आप उसका कारण जान लें कि कारण क्या होता है। पहला कारण है कि आपका सेक्सुअल पार्ट वीक होना, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन आ जाना। दूसरा कारण है सेक्सुअल वीकनेस के कारण यूरेथ्रा का वीक हो जाना। और तीसरा कारण है कि इरेक्टाइल मसल्स का सूज जाना। ये तीनों कारण ही प्रोस्टेट रोग को उत्पन्न करता है। अगर आपको पता चलता है कि हमको प्रोस्टेट है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप उसका वजन जान लें और तब आप निम्न स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के द्वारा उपचार शुरू करें। पहला, नेचुरल थेरेपी। नेचुरल थेरेपी में सबसे पहले उपचार जो प्रोस्टेट का है, प्रोस्टेट होता कहाँ है उसको जान लें। प्रोस्टेट है आपके हाइड्रोसील एवं पखाने रास्ते के बीच का भाग है। उस पार्ट का गर्म ठंडा सेक करने से या बर्फ का मालिश करने से आपका प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, जिस समय आप प्रोस्टेट का मालिश कर रहे हो उस समय आपका पैर गर्म पानी में डुबा रहना चाहिए। दूसरा है कि आप कटी स्नान के द्वारा भी प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था करना होगा और 3 मिनट गर्म पानी, 2 मिनट ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म पानी, 2 मिनट ठंडा पानी, इस तरह से आपको प्रोस्टेट के पार्ट को सेकना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 से 3 सप्ताह प्रोस्टेट का उपचार करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो प्रोस्टेट का साइज था वो नॉर्मल हो गया है। उसमें कुछ स्वदेशी जो दवा है उसको आपको यूज करना है। जैसे पहला है बालम खीरा का अर्क, रोजाना 2 चम्मच सुबह शाम लेना है। दूसरा है मोथा का जड़, 1 गिरी रोज लेना है। तीसरा है 1 डाब रोजाना यूज करना है। अब उसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन आता है उसमें आपका 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आएगा। उसको किस क्रम से लेना है? सबसे पहला है प्रोस्टोरल। प्रोस्टोरल 1-1 गोली सुबह शाम लेना पड़ता है। दूसरा है प्रोस्टोनम। प्रोस्टोनम 10 से 20 बूंद 3 बार सुबह शाम रात को लेना पड़ता है। तीसरा जो मेडिसिन है वो है आपका कैंथेरिस क्यू। कैंथेरिस क्यू 12 घंटे तक के लिए प्रत्येक आधे घंटे पे 5 से 10 बूंद 1 कप पानी के साथ लेना पड़ता है। यह आपको पेशाब में किसी भी प्रकार का जो वर्म है या टॉक्सिन्स है उसको वो रिड्यूस कर देता है। चौथा जो मेडिसिन है वो रूटा है। रूटा 200 आपको 10 बूंद 2 टाइम लेना है। और लास्ट जो मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम 1 mg है। लाइकोपोडियम आपको खाली पेट 2 बूंद लेना है और इससे आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन में आपका प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
और आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और खुद अपने घर में ही आप प्रोस्टेट को ठीक कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, तो फिर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि फिर लाइक करेंगे आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। प्रोस्टेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर आरडी महतो से संपर्क कर सकते हैं। इनका पता है स्वदेशी चिकित्सा केंद्र, अनिसाबाद, दुर्गा मंदिर के सामने। धन्यवाद।